ये तो ठगबंधन है, दो लुटेरे इकट्ठे हो गए। सारा दिन इनकी सोच ये है कि किसान को कैसे कमजोर किया जाए। लॉकडाउन के अंदर मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं था, जिन लोगों ने MLA चुन करके भेजा है MLA उन्हीं के सामने बैठ करके जलील होते मैंने देखे हैं। आत्मनिर्भर तो आदमी बनता है जब सरकार की मदद मिलती है। कि गवर्नमेंट जो है दिखावे के तौर पे तो बहुत कुछ कर रही है अपने आप में, अगर सरकार तो फिर अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो MLA की बात को टाल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश की भी समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं हरियाणा की राजनीति का जाना माना चेहरा, इलाहाबाद से विधायक और NLO के प्रधान महासचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे अभय सिंह चौटाला जी। अभय जी स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। अभय जी सबसे पहले बात करते हैं कोरोना मामले पे जी। देश में दुनिया में हर तरह से अभी जो हालात चल रहे हैं, कोरोना विस्फोटक रूप में जिस तरह से अभी बढ़ रहा है और हरियाणा भी उससे अछूता नहीं रहा, कैसे देख रहे हैं इस वक्त आप सरकार की कार्यशैली? ये जो कोरोना जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो शुरुआत में जब पहला लॉकडाउन आया था उस वक्त हमारे यहाँ मरीज की संख्या 500 से कम थी और उस वक्त में देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करी कि मैं 15 दिन देश को लॉकडाउन करके इस महामारी को काबू पाना चाहता हूँ। ना केवल लोगों ने उनकी बात को स्वीकार किया बल्कि हर व्यक्ति ने अपनी एक जिम्मेवारी समझी और उस लॉकडाउन के दौरान गांव के अंदर लोगों ने ठिकरी पैर लगा करके अपने गांव को सुरक्षित रखा। अगर कोई गांव का व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे काम कर रहा था तो उसको उस गांव में एंट्री देने की बजाय हॉस्पिटल जाने की सलाह दी कि पहले आप अपना चेकअप करा करके आओ जी, और फिर उसके बाद आपको गांव में एंट्री में परिवार से मिलने दिया जाएगा। और हम ये मान के चलते थे कि अगर आज 500 की संख्या पे देश में इस किस्म का लॉकडाउन है तो हम इस महामारी पे काबू पा लेंगे। उस लॉकडाउन में 15 दिन में सब कुछ बंद था, इंडस्ट्री बंद थी, स्कूल कॉलेज बंद थे, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे, उस दौरान सारे ऑफिस बंद थे, हर व्यक्ति अपने घर पे बैठा उसकी पालना कर रहा था और वो लॉकडाउन चलते चलते 15 दिन की बजाय 80 दिन में तब्दील हो गया। 80 दिन में तब्दील होने के बाद जहाँ हम देश के अंदर 10वें स्थान पर खड़े थे, आज उस लॉकडाउन को जब उन्होंने खोलने का काम किया तो आज हम पहले 4 स्थान में आकर के खड़े हो गए। मुझे लगता है कि हम पहले नंबर पे भी आएंगे। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काबू पाने की बात करी थी, काबू पाने की बजाय आदमी को बेरोजगार कर दिया। 80 दिन सब कुछ बंद रख के और एक स्टेटमेंट दे दी कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर तो आदमी बनता है जब सरकार की मदद मिलती है जी। सरकार ने कोई मदद करी नहीं। मदद अगर सरकार करती तो फिर 100% व्यक्ति जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, सरकार से तो आज लोगों का विश्वास उठ चुका है, पर केंद्र ने दिया ना 20 लाख करोड़ का पैकेज। जो 20,000 करोड़ की बात आप करते हो वो 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने, इनका जो बजट आया था उस बजट में उसी का जिक्र था। वो पैसा कहीं खर्च करने के बजाय उसको रिपीट कर दिया कि हम 20,000 करोड़ रुपया और खर्च करने जा रहे हैं। कहीं एक मंथ में कोई एक नया पैसा आया हो किसी को मिलाओ, इन्होंने तो उस लेबर क्लास को भी ठगने का काम किया है, उनको बरगलाने की कोशिश करी है, 500-500 रुपया उनके अकाउंट में डाल करके। अब जब आज की डेट के अंदर पंजाब हरियाणा जहाँ धान की खेती करने वाले लोग हैं, जहाँ नदमे और कपास की खेती करने वाले लोग हैं, किसान के खेत में आज काम है और आज 500 रुपये भी लेबर नहीं मिलती। इन्होंने तो उस गरीब आदमी के खाते में 500 रुपये डाल करके
बैंक की लाइन में खड़ा कर दिया जो पिछले 10 दिन से खड़ा है सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या तेरा पैसा आ गया क्या। तो अगर ये पैसा 10 दिन ठहर के देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल 500 रुपये दे करके आप ये दिखाना और दर्शाना चाहते हो कि हम गरीब आदमी की मदद करें, मदद करने की बजाय उस गरीब के साथ बेईमानी कर रहे। अब फिर से कोरोना पे आते हैं एक बार, क्योंकि बजट पे चर्चा चल पड़ी, आपने 500 रुपये और उन सब की बात करी। दिल्ली से सटे हुए जो NCR के जो एरियाज हैं, खासकर गुड़गांव हरियाणा में आता है, फरीदाबाद के एरियाज हैं, इन पे बार बार हरियाणा सरकार कह रही है कि दिल्ली के कारण कोरोना के ज्यादा मामले उधर बढ़े। दिल्ली में तो पूरी देश और दुनिया के लोग रहते हैं, और अगर दिल्ली की वजह से हमारे यहाँ बढ़ा तो फिर पंजाब में बढ़ना चाहिए। हमारे से ज्यादा विदेशियों की संख्या पंजाब में थी, आज पंजाब में तो कंट्रोल है। कि गवर्नमेंट जो है दिखावे के तौर पे तो बहुत कुछ कर रही है अपने आप में, लेकिन हालत ये है कि अब तक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं। आप मुझे एक चीज बता दो, जब कोई वैक्सीन नहीं है, जब कोई इलाज नहीं है इसका, सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, तो फिर क्वारंटीन हॉस्पिटल में क्यों करते हैं, फिर घर में करना चाहिए। फिर उसको ले जा करके पकड़ करके उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है जैसे देश का दुश्मन। उसके लिए तो कहा जा रहा है ना कि संक्रमित है बीमारी, इसलिए बाकी लोगों को ना लगे, उसको उसके घर में ही क्वारंटाइन कर दो, क्या दिक्कत है। वो मेडिसिन तो आप जो उसको दे रहे हो तो टेलीफोन पे डॉक्टर बता सकता है इसको ये चीजें खाने को दे दो, कम से कम उसको रोटी ठीक मिलेगी, उसको पानी पीने को मिलेगा, ऑक्सीजन लगा के देगा, कोई ना कोई उसको साथ के साथ स्टीम देने का काम करेगा, उसको 100 फैसिलिटीज तो मिलेगी। अभय जी, तो जगह ही नहीं है। पिछले दिनों अभय जी आपने लॉकडाउन के दौरान जो हरियाणा सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कुछ योजनाएं जो इम्प्लीमेंट की हैं उस पे कहीं ना कहीं आपने कहा कुछ विरोधाभास आपने जताया था, तो कैसे देख रहे हैं आप इन रीति नीतियों को? उसको भलाई कैसे कहते हो पहले मुझे ये बताओ। सरकार ने कहा कि हम किसानों के लिए ये पैकेज लेके आ रहे हैं, सरकार आपको ये कह देगी कि आप फांसी चढ़े वापस कोई भलाई कह दे। किसान को सरकार ने फांसी पे चढ़ाया है, आप लोगों को, क्योंकि आपने कभी खेती देखी नहीं, कभी इन शहरों से बाहर निकले नहीं, जो मुख्यमंत्री ने बोल दिया, जो मंत्रियों ने बोल दिया, जो अधिकारियों ने बता दिया, वो आपने चला दिया टेलीविजन, वो लोगों ने यूं मान लिया कि सरकार पता नहीं तुम्हारे लिए क्या कर दिया। आप उनसे पूछो जा करके कि ये जो फैसला लिया इससे किसान का लाभ बता दो हमें क्या। एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि हम सारे किसानों की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो रजिस्ट्रेशन करेगा। देश का प्रधानमंत्री ये कहता है किसान अपनी फसल कहीं ले जाके बेच सकता है, तो फिर उस रजिस्ट्रेशन की वैल्यू क्या रहे। हमारे हरियाणा का किसान तो गेहूं, सरसों, चना, बाजरा जो बेचने जाता है पहले उसको अपना रजिस्ट्रेशन का नंबर बताना पड़ता है कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सरकार की तरफ से कॉल आई हुई है मुझे बेचने के लिए। यूपी का किसान, राजस्थान का किसान, आपका दिल्ली का किसान, पंजाब का किसान हमारे यहाँ फसल बेच के जाता है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। ये दोगला तरीका एक नहीं है। इसका मतलब तो आप हरियाणा के किसान को सारा दिन कैसे उसको परेशान किया जाए, इसके लिए योजना बनाते हैं। धान की बुआई पर भी आपने कुछ विरोध प्रकट किया था। इस लॉकडाउन के अंदर मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं था, स्वयं किसान कैसे परेशान, उसके लिए योजना बनानी। एक दिन बैठे बैठे कह दिया, बोला मैंने एक नया फार्मूला निकाला है, मेरा पानी मेरी विरासत। हमारा जो पानी है जो हमें मिल रहा था वो पानी तो ये ले ही नहीं पाए। SYL का पानी हमें मिलना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। दादूपुर नलवी नहर जो हमारे टाइम में शुरू हुई थी, जिस पे 350 करोड़ का खर्च हो गया था, जिससे आपके 3 जिले कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और यमुनानगर, जिनमें रिचार्ज वाटर आता था बारिश के दिनों में, जमीन में पानी जाता था, उससे पानी का लेवल बढ़ता था, किसान को फायदा होता था, वो इन्होंने बंद कर दी सिर्फ इसलिए कि उन किसानों को जहाँ से वो नहर बन करके आ रही थी उसका मुआवजा ना देना पड़े। सारा दिन इनकी सोच ये है कि किसान को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे मारा जाए। बाकी किसान किसान को नहीं, अब की बार तो इन्होंने इस लॉकडाउन के बहाने से इंडस्ट्रीज को भी साफ कर दिया, नौकरी पेशा लोग थे उनको घर बैठा दिए। अब ऐसी हालत है, अमरीका ने $2,000 जो है पर पर्सन आज की डेट में भी हर महीने देते हैं। जब साधन कमाई का नहीं होगा तो साधन का बिजनेस खत्म हो गया, नहीं होगा, कल किस तरह से खड़ी करेंगे।
पैसा कहाँ से लेकर के आएगा? लाखों लाखों रुपए रोज का घाटा जिन कामों में लग रहा है वो कैसे पूरा होगा? सरकार ने क्या मदद की हम लोगों ने? कह रहे थे अभी जी, इसलिए तो लॉकडाउन भी खोला गया है कि इतने दिनों तक उनको तो 500 रुपए दे दिया और जिसका लाखों रुपए का नुकसान है उसको कह दिया अब तुम आत्मनिर्भर हो जाओ, अब तुम अपना काम खुद करो। आपने पिछले दिनों सोनाली फोगाट प्रकरण के अंदर आपने अपना समर्थन दिया कि जो हुआ, जो भी बर्ताव किया गया, हम साथ हैं और ये ठीक किया गया। ये भी तुम्हारी प्रेस की ना सोच अलग है, मैंने समर्थन नहीं किया। मैंने एक सच्ची बात कही कि जो काम सोनाली ने किया वो काम किसान को करना चाहिए था। अगर कोई मेरी फसल में मेरे साथ चोरी कर रहा है तो मैं उसका एक बार ही विरोध करूंगा, दो बार विरोध करूंगा, लेकिन अगर उसके नहीं समझ में तो फिर मुझे भी कोई काम करना चाहिए। किसान को उसने सरेआम लूटा था, उसके 5 किलो चना पर बैग में से निकाल रहा था, जो छोटा अमाउंट नहीं बनता, कई करोड़ का मामला था। ऐसे चोर उचक्के लोगों को आपने अगर मंडियों की जिम्मेवारी सौंप रखी है और किसान की फसल खरीद रहा है तो फिर मान के चलो सरकार भी उसके साथ मिली हुई है। पर उसके लिए शायद व्यवस्थाएं हैं समाज में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जहां एजेंसीज हैं जिन पे आप नहीं, लॉ एंड ऑर्डर टाइम या तो इस लॉकडाउन के दौरान 40-40 ट्रक जो है दारू की इस प्रदेश में बिके हैं, कहां रहेगी कानून व्यवस्था? एसटी बनाई है उस पर सरकार ने। यहां पे सबसे बड़ा कारोबार चिट्टे का इस प्रदेश में रहा है, कहां गए लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर तो है जी, जो गलत काम करने वाले लोग हैं सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, सरकार उनके हौसले बढ़ा रही है। पर शराब मामले में तो गृह मंत्री ने साफ ये निर्देश दिए हैं कि जो भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो जितना मर्जी रसूखदार हो। तो फिर एसआईटी का ठीक क्यों नहीं करी, एसईटी क्यों करी? अगर पकड़ना ही था तो एसआईटी का ठीक करते, जिनको जिम्मेवारी सौंपी उनके पास तो इन्वेस्टिगेशन करने की इख्तियारात भी नहीं है, तो सारी चीज सामने आ जाए। अभय जी, 2019 में एनएलओ का प्रदर्शन हम सब ने देखा, मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए आंकड़े, तो अब 2019 से लेके अभी तक अब आपकी क्या स्ट्रेटजी है? हमने पिछले दिनों देखा है कि काफ़ी चर्चा में है ये बात कि आप बिल्कुल फिर से प्रयासरत हैं और पार्टी में फिर से बाहर आएगी और फिर से लोग जुड़ रहे हैं काफ़ी हद तक, आपने पिछले दिनों अपने बयान भी दिए हैं अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़ौदा का उपचुनाव होगा 2019 में, हमने वहाँ चुनाव लड़ा। 2019 में हमारा क्या रिजल्ट था, कितने मतदाताओं ने हमें वोट दिया और अब फिर हम वो चुनाव लड़ेंगे, तो आपको अपने आप ही एक अंतर का पता लग जाएगा कि 2019 में रब में क्या करता। तो आप ये कह रहे हैं कि अब सभी नहीं कार्यकर्ता एनएलओ से फिर से जुड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपको ऊपर कुछ दिन अपने आप महसूस हो जाएगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं, तो आप अपनी आँख से देखोगे फिर एक काम जरूर करना, जो बात आज मुझसे कर रहे जी उसको फिर अपने आप लोगों तक पहुँचाना भी कि मैंने फर्क महसूस किया। बिल्कुल, हम कैमरा पे हैं, पहुँचे की बात। ये जो ये अभी गठबंधन की जो सरकार है इसको लेकर आपने उनकी कार्यशैली पर यदा कदा कहा है कि मतलब उस तरह से नहीं है जो कभी एक सरकार चलती थी हरियाणा में कभी, तो क्या है ऐसा, क्या कमियां आपको दिख रही हैं इस सरकार में? आप मुझे ये बताओ, आप इसको गठबंधन कहते हो? गठबंधन होता है हमेशा पार्टियों का चुनाव से पहले, ये तो ठगबंधन है, दो लुटेरे इकट्ठे हो गए, ये लुटेरों का गिरोह है जो लगातार प्रदेश के किसान को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ शराब माफिया है, यहाँ सरसों का माफिया है, यहाँ पे जमीनों पे कब्जे करने वाले लोगों की माफिया है, यहाँ धान पे किसान को लूटने वाला एक अलग गिरोह बना हुआ है, उनकी सब सरगना है। हमने धान घोटाले पे कितने दफा मुख्यमंत्री से कहा ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, मैं स्वयं जो है इसके लिए मैंने लीगल ओपिनियन लिए है, अच्छे अच्छे वकीलों से बात करी है और हम बहुत जल्दी इस धान घोटाले को लेकर के हाईकोर्ट जाएंगे और वहाँ जा कर के उनसे कहेंगे कि सरकार से तो न्याय हुआ नहीं, 6 साल हो गए हमें सरकार के सामने विधानसभा में, विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री से मिल करके ज्ञापन देते हुए, गवर्नर से मिल करके ज्ञापन देते हुए, लेकिन अब आखिरी और कोई जगह है नहीं सिवाय आपके, आप इसकी CBI इंक्वायरी करा दो, जो आरोप हम लगा रहे हैं अगर गलत है तो हमारे खिलाफ़ सरकार कार्रवाई करे, हमारे खिलाफ़ FIR दर्ज करे, ताकि दोबारा कोई आदमी इस तरह से बिना मतलब कोर्ट का सरकार का टाइम ध्यान जाए ना करे। और अगर हम अपनी जगह पे ठीक है
तो फिर हाईकोर्ट से कहेंगे कि आप इसकी इंक्वायरी कराओ ताकि लोगों का जो पैसा लूटा गया उन लोगों को वापस मिले और ये जो लूटने वाले लोग हैं इनके चेहरे बेनकाब हो, आइंदा लोग इस चीज़ को समझें, देखें कि किस तरह से हमने तो एक विश्वास के साथ सरकार बनाई, इन्होंने कैसे हमें लूटने का काम किया। पिछले दिनों पक्ष और विपक्ष के सभी हरियाणा के विधायकों ने एक स्वर में कहीं ना कहीं ये बात कही कि ब्यूरोक्रेसी से वो नाराज नजर आए, और कहीं ना कहीं ये भी बात आई कि हमें जो हम जनता के सेवक हैं लेकिन हमारा काम ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही, अधिकारी नहीं मान रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस बात को? आपने अभी जिक्र किया कानून व्यवस्था सरकार का, अगर सरकार तो फिर अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो MLA की बात को टाल दे, उसकी बात ना, लेकिन अधिकारी जो फोन ही नहीं उठाएगा, सुनेगा ही नहीं, तो किसको जाकर के कहोगे? MLA जिन लोगों ने MLA चुन करके भेजा है, MLA उन्हीं के सामने बैठ करके जलील होते, मैंने देखे हैं, वो उठा करके टेलीफोन करते हैं, अधिकारी आगे से फोन नहीं उठाता, वो बैठे बैठे जलाते रहते हैं कि ऐसा अफसर है, देखो मेरा फोन भी नहीं उठा, यूँ पता नहीं तो तेरी अपनी हिंदी लोगों के बीच में करवा रहे। हमने एक ऐसे आदमी को विधानसभा का सदस्य चुन करके भेज दिया जिसकी कोई पटवारी सुनने वाला नहीं। ये हालत जब इस तरह की होगी फिर उसको आप सरकार कैसे कह सकते हैं? इसी दौरान बहुत सारे MLAs को स्पीकर ने लाइव लिया था बातचीत करने के लिए। मैंने जिस दिन उनके रोबर होना था, मैं सफर में था, मैं उनसे बातचीत नहीं कर सका, लेकिन मैंने उनको बाकायदा तौर के ऊपर इस बात के लिए बधाई दी थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया इस लॉकडाउन में, इन MLAs को कम से कम आपने एक बार चल करके पूछा सेवन कि भी आप बताओ लॉकडाउन के दौरान आप लोगों की क्या जिम्मेवारी थी, और उन्होंने जब अपनी जिम्मेवारियां बताई उसके साथ उनके सामने कम से कम ये बताया तो सही भी इस लॉकडाउन में हमारी जो है इतनी बेकदरी हुई कि छोटे छोटे अधिकारियों ने हमारी बात को नहीं सुना। लेकिन इसके लिए आपके बधाई हो, विधानसभा में भी इस बात पर आप चर्चा कराओगे तो और ज़्यादा लोगों में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। मैंने उस दौरान एक विधायक की बात सुनी थी जो कांग्रेस का है, उसकी तारीख हमारे वक्त में इंडिपेंडेंट विधायक था, एक बना था, एक बार हमारी पार्टी से भी चुन करके आया था, ये सैनी है यहाँ से आपके रादौर से विधायक बिशन लाल सैन। उससे जब पूछा तो उसने बताया भी आपके राज में और चौटाला साहब के राज में फर्क है। उस वक्त का मैं इंडिपेंडेंट था और चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, एक MLA ने मेरे रोग में चौटाला साहब से शिकायत करी कि डिप्टी कमिश्नर मेरा फोन नहीं सुनता, तो उन्होंने कहा मेरे सामने मिला। जब उस विधायक ने टेलीफोन मिलाया तो फिर DC ने नहीं उठाया, उन्होंने फिर उसको MLA को कहा कोई बात नहीं, ठीक है आप जाओ, मैं इस पर नोटिस लूँ, और रात को ही उस अधिकारी को डिप्टी कमिश्नर को उस पद से मुक्त कर दिया। इसलिए पदमुक्त कर दिया था उसको कि उस आदमी ने यह मान लिया था तुम डिप्टी कमिश्नर है तो तुम मालिक है जिले, वहां का जो MLA जो लाखों लोगों का नुमाइंदा है तू तो सरकारी नौकर है, तेरा काम तो उसकी बात को सुनना है जो प्रजातांत्रिक तरीके से चुन करके है। मैं कहता हूँ चुन के है उसकी नहीं, जो सामने हारने वाला है उसको भी तो लोगों ने वोट दिए होते हैं, उसकी बात को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल, ग्रेवेंसेस लेकर के तो गाँव का सरपंच भी अगर किसी अफसर के पास जाता है, मेंबर पंचायत भी जाता है, तो भी उसकी बात सुननी चाहिए। पक्ष सुनो, अगर गलत है तो उसको कहो कि भाई तुम गलत लोगों के साथ चल करके है, अगर उसका पक्ष सही है तो अधिकारी की ये जिम्मेवारी भी है उसका काम करते जी। सवारी सब नहीं कर सकते। चाहते जाते अभय जी, बस एक सवाल, कोरोना काल में अब जो हालात जिस तरह के हरियाणा में या पूरे देश में जिस तरह से है, आपकी नजर में हरियाणा सरकार अब किस तरह से आगे अपनी कार्यशैली में अपना चेंज करे सुधार की तरफ हम बढ़ सके? कोरोना में कैसे करेंगे सुधार है आप मुझे बताओ। हमने उस लॉकडाउन में 500 केस को बढ़ा करके लाखों में लिया, इस सरकार से आप सुधार की उम्मीद करोगे? हम तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से प्रार्थना करते हैं कि सरकार के भरोसे मत रह जाओ, ये सरकार तो कहीं ना कहीं आपको मारने पे तुली हुई है। तो कोरोना के अंदर भी 5-5 रुपए बच्चों से मांग करके अपना फंड इकट्ठा करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के जितने फंड में पैसे है IT में किसी ने पूछ लिया, आज तक उसको नहीं बताया गया कि कितना पैसा प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड में है। तो लोगों से आपके माध्यम से अपील करेंगे
कि आप इस कोरोना से बचाव के लिए अपने आप डिस्टेंस बना करके रखें, और जो जैसा डॉक्टर बताते हैं कि मैं हाथ धोएं, मुंह के ऊपर बारी बारी हाथ ना लेकर के जाएं, घर से बाहर निकलें तो जरूरी नहीं है कि ये जो मास्क आपको बाजार में मिलता है उसी को यूज करें, अपने घर में बनवाएं, रोजाना उसको अच्छी तरह से वॉश करें, एक दो तीन बना के रखें, तभी जाकर के बात बने। सरकार के भरोसे कुछ नहीं होने वाला, सरकार के भरोसे कुछ नहीं होने वाला, सरकार पे आप पूरा भरोसा ना करें और अपना ध्यान स्वयं रखें। यह था कहना इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी का। आज हमारे साथ फिर चर्चा होगी किसी न किसी मुद्दे पर आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।